close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. So guys, finally पहुंच चुके हैं यहाँ पर. पूरा मार्केट घूमते घूमते हम पहुंच गए हैं स्वयंभू चौक. तो गाइस, आपको इस वीडियो पूरा दिखाएंगे. एक बार आप नज़ारा उस तरफ में रखिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा. यहाँ पे हम इस रोड में हैं और हम इस रोड को क्रॉस करने के बाद उस स्वयंभू चौक तक जाएंगे. तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, तो चलिए चलते हैं. यहाँ पे थोड़ा ही ट्रैफिक है, हम उसको क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के बाद स्वयंभू जाएंगे. देख सकते हैं ट्रैफिक, और ट्रैफिक को थोड़ा संभाल के क्रॉस कीजिएगा. तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं. आप देख सकते हैं वहाँ पे कुछ चाइनीज स्टाइल में कुछ मस्त है. यहाँ पे कुछ कुछ लगा है, तो यहाँ पे हम करेंगे टोंग टोंग टोंग. घंटी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑसम गाइस. स्वयंभू चौक देख सकते, मतलब आप कभी आए नहीं ना, तो हम आपको लेके आए. तो वहाँ पे कुछ है उसको घुमाएंगे पहले. यहाँ पे आप देख सकते हैं घुमाने का ये स्टाइल. ये गाइस, हम तो एक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा दुनिया घूम रहा है. यहाँ पे हाँ उल्टा भाई, सॉरी, गजब बेइज्जती है. और सॉरी गाइस, यहाँ पे बुजुर्ग माँ ने बताया कि उल्टा घुमाना पड़ता है, ऐसे घुमाना पड़ता है. आप देख सकते हैं, ओके, तो हो गया उल्टा. और यहाँ पे घुमाते बहुत मज़ा लग रहा है गाइस, तो आप भी आओ स्टे करो. और यहाँ पे रो, और यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे रोड है शायद, आई थिंक. ओ माय गॉड, गोल्डन पैटर्न. तो गाइस, मतलब बहुत ही नज़ारा, बहुत ही, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम घुमाएंगे. मंदिर थोड़ा इसको घुमाएंगे हम, देख सकते कितना बड़ा इलाका. ओ माय गॉड, यहाँ पे मनोकामना पूरा करते हैं कोई. तो गाइस, इसके लिए माफी चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा है, तो हमको ये वीडियो को इस तरह से लेना पड़ रहा है. तो गाइस, पूरे मम्मा ने घुरा लिया, तो हम भी थोड़ा घुमाएंगे. चलिए घुमाते हैं. यस, मज़ा आ रहा है घुमाने में, मज़ा आ रहा. तो ये थोड़ा टाइम स्टाइल है यहाँ पे, देख सकते हैं. तो घुमा लिया है, आप जाएंगे थोड़ा बाहर की नज़र की ओर. और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत मजा लगा यार घुमाने में. तो साइड में भी है, तो हम कोशिश करेंगे कि एंट्रेंस हो अंदर. उस भगवान का पूजा है यहाँ पे. तो इधर भी है, पूरा पूरा नज़ारा दिखाने के लिए कोशिश करेंगे. बढ़ाओ बढ़ाओ, हेलो, यहाँ पे बड़ा उन्हें नहीं सुना है तो. तो हम किसी से पूछेंगे ये कौन सा भगवान है. ब्रदर एक्सक्यूज मी, ये कौन सा मंदिर है एक बार बता सकते हैं आप?
ये कौन सा मंदिर है आप बता सकते हैं? इसको मंदिर नहीं बोला, इसको माने बोला है। माने? माने। अच्छा अच्छा माने, तो ये मंदिर नहीं है। मैं इंडिया से आया हूँ और थोड़ा ब्लॉग बनाने के लिए आया हूँ। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मजेदार है घुमाने के लिए, पर इसका अर्थ मुझे पता नहीं है। आई एम स्टे ऑन फर्स्ट टाइम। यहाँ पे हर पुष्प, हर भगवान जी, मतलब हर क्या है, तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं और आपको बुद्धिस्ट का टेंपल का अंदर के साइड आपको दिखाते हैं। तो गाइस आप इस साइड में जाने के बाद आपका मन तृप्त हो जाएगा, बहुत शांत हो जाएगा। आप एक बार विजिट कीजिएगा बुद्धिस्ट मंदिर। तो गाइस यहाँ पे कुछ लिखा है, शायद मेरे को पढ़ना नहीं आता है, तो आप लोग पढ़ने के बाद क्या लिखा है एक बार हमको कमेंट कीजिएगा ज़रूर। तो मैं आशा करूंगा कि आप ज़रूर कमेंट करेंगे, तभी हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो आगे के चलते हैं। और आपको दिखाएंगे ये रहा अंदर का कुछ नज़र ऐसा है। ओह माय गॉड, क्या क्या बताऊँ, एक बार विजिट कीजिएगा बुद्धिस्ट आई थिंक टेम्पल नहीं बताया है, कुछ म्यूजियम की तरह कुछ बताया है। नेपाल का मजा है, मतलब आगे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा अनबुल मतलब क्या बोलूँ यार, बहुत है। Yeah,